मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये सिंपल सा पजामा कटिंग किया है। मैं असल में ये बताना चाह रही हूँ कि बिल्कुल सिंपल कटिंग पे अगर आपको अर्जेंट पजामा सीना हो तो किस तरह सीएंगे, बिल्कुल सिंपल। देखते हैं आगे कटिंग करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने इस ट्राउज़र्स की इसी तह को खोल लिया है और इसके बिल्कुल सेंटर मैंने एक यहाँ पोजिशन लगाया है, ठीक है, कटिंग का। और मैं अब इस पर बीच में लेस लगाऊंगी ये वाली, ठीक है। और अब हम इस पर सिलाई से लगाने लगे हैं लेस, ठीक है जी। नाउ सी, हमारी लेस ये कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी ट्राउज़र का जो आसन का साइड है, अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर और ओके। आसन की सिलाई लगाने के बाद अब हम लगाएंगे इसके नेफे में इलास्टिक, ठीक है। अच्छा, मैं नेफे को मोड़ नहीं रही हूँ, डायरेक्ट मैं इसमें डायरेक्ट इलास्टिक लगाऊंगी। हल्का सा यहाँ से फोल्ड किया, वो फोल्ड करने के बाद इलास्टिक को इसके अंदर रख के सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। अब इसकी मैंने एक सिलाई लगाई है, मैं इसे सेंटर में भी एक सिलाई लगाऊंगी। इलास्टिक रख के हमने दोनों सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे कि ट्राउज़र के सबसे नीचे वाले हिस्से को तकरीबन, क्योंकि मुझे लेंथ जितनी चाहिए बच्चे की मैंने उतनी ले ली है, इतना मेरे पास एक्स्ट्रा है कपड़ा, तो मैं क्या करूँगी इसको मैं नीचे तरफ फोल्ड करके और इस पर मैं लगा दूँगी सिलाई दोनों साइड्स पर, ठीक है। साइड्स पर सिलाई लगाने के बाद उसके बाद मैं इसको फोल्ड करके, जब मेरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी इसकी तो मैं यहाँ पर इसको फोल्ड करके ये वाली सिलाई लगाऊँगी, ठीक है। ये सिलाई गोल घुमाते हुए लेकर आऊँगी, ओके जनाब। नाउ सी, ये देखिए मैंने ये नीचे से फोल्ड कर ली है, ठीक है। अब बस लास्ट सिलाई है, ये मैं यहाँ से बंद करती जा रही हूँ। इसको कपड़े को बराबर रखना है, कपड़े को बराबर रखने के बाद आपने सिलाई लगाते हुए आ जाना है। ये ट्राउज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है, इस पर लेस भी लग चुकी है, इसका इलास्टिक भी लग गया है और इसकी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर आपको पसंद आए हमारे स्टाइल सीने का सिंपल ट्राउज़र तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।